माय फर्स्ट व्लॉग, आई एम गोइंग टू डमी बुगाटी। तो देखते हैं आपको मजा आता है कि नहीं। मैं जा रहा हूँ अभी डमी बुगाटी मेरे भाई के साथ, और ये है शिवांगन का मेन गेट जहाँ से ग्राउंड में जाते हैं डमी बुगाटी को। आप यहाँ की एक बार भीड़ देखो, आप यहाँ की भीड़ देखो आज कितनी है भाई साहब। बहुत ही भीड़ थी, मैं क्या बताऊँ आपको भाई, बहुत भीड़ थी आज। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ डमरू घाटी के मेन गेट के सामने। और मैं पहुँच गया हूँ शिव द्वार पर। यहाँ से डमरू घाटी में एंटर होते हैं, मगर मैं घंटी बजा के अंदर जा रहा हूँ। तो आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए भाई साहब, क्या ही नज़ारा भाई। बीच में वायरिंग लगी है, मतलब एक साइड से आदमी आगे जाते हैं, उस साइड से जो भी डमरू घाटी के दर्शन करके लौटते हैं वो उस साइड। और आप एक बार आप शिवलिंग को देखिए भाई साहब, क्या ही शिवलिंग है भाई। अगर आप अभी तक डमरू घाटी नहीं आए तो भाई आप एक बार भाई मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ भाई। मेरे पाँव ऐसे चिके हैं ना, लेकिन मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं किसके लिए ऊपर आया आप एक बार ये देखो भाई। एक दृश्य देख कर मेरा जो मन ऐसा हो गया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः स्तुते। भाई ये दृश्य देख कर ना भाई, मेरी जितनी भी थकान थी भाई, जितनी भी धूप लग रही थी भाई, सब खत्म हो गई भाई। भाई अब मैं जा रहा हूँ सामने। सामने कहाँ, सामने देखो भाई, भाई इस पिंडी में जा रहा हूँ और मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ महादेव। तो भाई जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई आप दर्शन करो, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। और भाई अब मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ हनुमान जी का और शनि देव का। तो भाई मैं आपको सीधा मिलता हूँ शनि देव के पास। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं शनि देव के पास। ये सामने आपको घंटी दिख रही है भाई, यहीं पे शनि देव की मूर्ति। और अब भाई सभी लोग बोलो जय शनि देव महाराज की। तो भाई अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति के पास, तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा वहीं पे। तो जो आपको सामने विशाल मूर्ति दिख रही है, वही है हमारे श्री राम भक्त हनुमान। तो भाई मैं आपको अभी सामने जाके दिखा देता हूँ, उनका दिव्य दर्शन करा देता हूँ। तो भाई अभी हम फाइनली लौट के जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जी के कुंड पर। तो मैं आपको वहीं जाके मिलता हूँ। तो भाई ये देखिए कितना सुंदर सा कुंड है, जहाँ पर श्री कृष्ण श्री पालिया नाम के ऊपर खड़े हैं। और भाई ये देखिए दृश्य डमरू घाटी का। तो भाई अभी हम फाइनली डमरू घाटी से निकलने वाले हैं, क्योंकि भाई हमने सब कुछ बिल्कुल देख लिया है। तो भाई अब हम लौटते हैं, अब हम जाएंगे गुफा में भाई, अब हम जाएंगे श्री काली जी की गुफा में। तो भाई यहाँ पे मैं शिव जी को अलविदा कहते हुए भाई निकल चुका हूँ प्रदेश द्वार से बाहर। तो भाई आप यहाँ की भीड़ देखो, भीड़ में निकल। और भाई अब मैं जा रहा हूँ काली जी की गुफा में। तो भाई यहाँ से रास्ता है काली जी की गुफा का। भाई आपको इतनी चमक दिख रही होगी भाई, वो मैंने किए ताकि भाई आपको सब साफ साफ दिखे, नहीं तो भाई आपको ऐसा बेरुखा सा दिखता। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको सीधा काली जी की गुफा। और भाई मैं पहुँच चुका हूँ काली जी की गुफा में। भाई मैं यहाँ पे इतना आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले जंगल ही जंगल था।
तो भाई यहाँ पे यहाँ के कर्मचारियों ने भाई यहाँ पे पूरा ही मैदान कर दिया, तो इससे भाई मैं अचंभित था। और भाई फाइनली मैं गुफा में जा रहा हूँ, तो भाई आप ही मेरे साथ चलो। और भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं काली जी की गुफा के अंदर, जहाँ पे काली जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। हो सकता है कि आपको ठीक से ना दिख रही हो, लेकिन भाई बहुत ही सुंदर मूर्ति है भाई। भाई यह मूर्ति एक पंडित को मिली थी भाई। और भाई मैं काली जी का दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। और भाई बाहर की आप एक बार देखो भाई कितनी कड़क धूप है। तो भाई फाइनली काली जी के दर्शन हो चुके हैं। तो भाई अब मैं सीधा निकलता हूँ अपने घर के लिए, मिलता हूँ यहाँ पे 2 मिनट में। तो भाई मैं इस डम्बू घाटी शिव धाम को अलविदा कह के अपने घर की ओर निकल पड़ता हूँ। तो भाई आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा सभी।